मैम, कंग्रेचुलेशन आपके को लोगों ने काफी पसंद किया। अब नए शो की शुरुआत है, क्या है इसका कैरेक्टर भी बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और इस कैरेक्टर का नाम है रितु गोयल, एंड इसमें मैं पहले एक एक्स मॉडल थी और अब मेरी शादी हुई है ऐसे परिवार में जो कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स परिवार कहेंगे, या फिर नॉट ऑर्थोडॉक्स एग्जैक्टली, बट एक ऐसा परिवार जो मेरे परिवार शादी से पहले मेरे परिवार से काफ़ी अलग था। तो कैसे ऋतु इसमें एडजस्ट करेगी, कैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी, सो यस दैट्स अबाउट इट। जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में बताया गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, ये करना है ये नहीं करना है? आई वॉज नॉट वेरी श्योर बिकॉज दिस इज अ भाभी कैरेक्टर दैट आई वॉज अप्रोच्ड फॉर, बट आई लव्ड वन थिंग अबाउट द कैरेक्टर वेर इन जहाँ पे जो मैं रियल लाइफ में रही हूँ आई एम गोइंग टू पोर्ट्रे दैट। सो आई थिंक ये एक चैलेंज है मेरे लिए एज एन एक्टर, और इसीलिए मैंने इस शो के लिए भी हाँ बोला। और कहानी बहुत ही रियलिज्म के लिए थे, ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, सो दैट्स आई एम हमारा प्रश्न। आपके लिए मन सुंदर का महत्व क्या है? ये सवाल बहुत प्यारा पूछा आपने। आई थिंक ये शो का नाम बहुत प्यारा है, मन सुंदर, जिससे मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहूँगी कि हम जो आजकल ऐसे देखते हैं कि हाँ सिर्फ देखने में अच्छा है, अरे वाह क्या बात है देखने में अच्छी है, और जिसमें हम स्पेशली इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो हम ये बोलेंगे अरे अरे बाहर मत जा काली हो जाएगी, शादी कौन करेगा, यू नो। सो आप बाहर की खूबसूरती तो देख लेते हैं लेकिन अंदर की खूबसूरती नहीं देखते हैं। सो आई थिंक फॉर मी आप बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा किसी के मन की खूबसूरती को देखें, क्योंकि एक बार के लिए बाहरी खूबसूरती आप देख के चलिए ठीक है बात कर लेंगे, पर बाहरी खूबसूरती फेड हो जाएगी, अंदर की खूबसूरती कभी नहीं होगी। सो आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद योर को स्टार, सबके साथ यहाँ पर शूट हो चुका रहेगा कुछ ना कुछ, तो कैसा रहा? इट्स बीन अ वीक, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत ही मज़ेदार हैं, मतलब हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के चिल करते हैं, काफ़ी थक जाते हैं तो एक दूसरे से बात करके थोड़ा बहुत मजाक उजाक मस्ती वगैरह करके थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, साथ में आते जाते हैं, तो यस इट्स फन, इट्स टू मच फन। आखिर में आपका कॉस्ट्यूम भी बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ शो के लिए आपने मतलब आज लॉन्चिंग के लिए आपने पहना था कोई डिज़ाइनर से ये? आप कह सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रितु कैरेक्टर, मतलब रितु ऐसी ही है, वो इंडियन में ही दिखेगी, दो शी वॉज अ मॉडल, बट अब क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी सास चाहती है कि वो ऐसे ही कपड़े पहने, तो इसीलिए दिस वॉज वन ऑफ द रीजन दैट आई डिसाइडेड टू वेयर इट। आखिर में अपने फैंस से कह दीजिए शो कब आने वाला है। ओके, सो सबसे पहले तो फैंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। एट द सेम टाइम शो आने वाला है 18 तारीख से शाम 8:30 बजे दंगल टीवी पर, सो भूलिएगा मत और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम, बेस्ट ऑफ लक मैम।